जिंदगी अकेले और अंदाजे से तय नहीं होती। जीवन की राह में कई बड़े फैसले लेने होते हैं और वो भी दुरुस्त, क्योंकि एक जरा सी चूक हमें मंजिल से मीलों दूर कर देती है। ऐसे में एक रहनुमा का हमसफर होना जरूरी होता है। इंसान के लिए सही मायने में कोई एक हमसफर और रहनुमा रहा है तो वो है पैमाना। इस हमसफर, इस रहनुमा से हमारी मुलाकात बचपन में ही हो जाती है, जब ये हमें एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कंपास, स्केल या चांद के रूप में मिलते हैं। जल्द ही हम इनकी अहमियत से वाकिफ हो जाते हैं और फिर हमारे हर छोटे बड़े फैसले में इनकी राय मायने रखने लगती है। इश्क हो या जंग या कुछ भी, इंसान किसी चीज की कल्पना तक इन रहनुमाओं के बगैर नहीं कर सकता। इनके बिना तो कोई सफर भी शुरू नहीं होती। दो गज जमीन से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, नदी नालों और तालाबों तक कभी भी कहीं भी इंसान को पैर रखने की जरूरत महसूस हुई है तो सबसे पहले उसने पैमाने की तरफ ही नजर किया है। हाथ के एक बित्ते से लेकर कदम तक, कड़ी से लेकर उड़न खटोले तक, हर एक पैमाने की सफर भी एक दास्तां है। और आज मैं मिलने जा रहा हूं हमारे ऐसे ही कुछ हम सफर रहनुमाओं से। मैं जा रहा हूं भारत के उत्तराखंड राज्य के रुड़की जिले में आईआईटी स्थित सर्वे म्यूजियम, जहां मेरी मुलाकात होनी है एक वैज्ञानिक, इंजीनियर और शिक्षक प्रोफेसर पीके गर्ग से। गर्ग साहब से मैंने गुजारिश की है कि वो मुझे इन रहनुमाओं से रूबरू करवाएं और उनके सफर की दास्तां भी सुनाएं, क्योंकि कई सवाल का जवाब मुझे पता करना है। और अच्छी बात यह है कि प्रोफेसर गर्ग ने मेरी गुजारिश मान ली। मुझे पता करना है कि पहाड़ों की ऊंचाई कैसे मापी जाती है। मैं यह भी पता लगाने आया हूं कि रुड़की और उसके आसपास जो सर्वे इंडस्ट्री खड़ी हुई है उसकी वजह क्या है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर्वे का क्या मतलब है। सर्वे एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, खासतौर से सिविल इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि अब से 30-40 साल पहले सर्विंग सबको पढ़ाया जाता था। ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम कोई लैंड खरीदते हैं तो हमें पता होना चाहिए उस लैंड का कितना एरिया है, उसका पेरीमीटर कितना है, हमें डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में पता होना चाहिए। तो हम ये सब मेजरमेंट जो करते हैं ये सर्वे के द्वारा करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लर्न करते हैं जब कोई प्रोजेक्ट ग्राउंड पे बनाना होता है, हमें कितने एरिया की रिक्वायरमेंट है, कौन सी लैंड हमें ऑक्यूपाई करनी है, उस लैंड का क्या स्लोप है, पानी का फ्लो किस तरफ होगा, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए, क्योंकि उसी से हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकल के आती है, लैंड की कॉस्ट निकल के आती है। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसका एक एक्यूरेट मानचित्र होना जरूरी है। तो ये हम सर्वे की के द्वारा एक्यूरेट मानचित्र बनाते हैं और उसी के ऊपर आर्किटेक्ट एंड प्लानर्स प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग को हम फिर जमीन पे ट्रांसफर करते हैं और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सर, इस म्यूजियम का निर्माण कब शुरू हुआ? ये म्यूजियम 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और जब मैंने यहाँ 1982 में ज्वाइन किया था तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। धीरे धीरे जो इंस्ट्रूमेंट ऑब्सोलीट होते गए हम इस म्यूजियम में रखते गए, और हम लोग रॉयल म्यूजियम ऑफ लंदन के मेंबर भी हैं और बहुत सारे विदेश से भी लोग आते हैं जो हमारे म्यूजियम को देखते हैं। कुछ ऐसे रेयर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि बहुत मुश्किल से देखने के लिए मिलते हैं। कुछ हमारी फैकल्टी ने भी कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट की, वो भी हमने यहाँ पर रखे हैं दिखाने के लिए कि किस तरह से पहले इंस्ट्रूमेंट कितने बल्कि होते थे, किस तरह से उसे काम किया जाता था, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल सेम रहता है। बेसिक प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। आज की डेट में भी अगर हमारे पास डिजिटल इक्विपमेंट है तो उसका बेसिक प्रिंसिपल सेम है। तो वो सिखाने के लिए हमने ये म्यूजियम में शुरुआत की। एक सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है और सिविल इंजीनियरिंग में जो सर्वेइंग है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी इस म्यूजियम में लाते हैं और उनको दिखाते हैं, उनकी इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग के बारे में बताते हैं, तो उससे उनको एक समझने में आसानी होती है।
अब मैं गर्ग साहब से एक एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट को समझने की कोशिश करूंगा। मेरे हाथों में दिखने वाला ये कोई मामूली लोहे का सामान है, चेन नहीं है, ये एक पैमाना है और इसका क्या उपयोग होता है ये हम समझेंगे। सर ये क्या चीज है, इसका इस्तेमाल आप लोग किस लिए करते हैं? ये एक लोहे की चेन होती है और पहले हमारे जितने भी मैप्स बने हैं वो चेन से बने हैं, ये डिफरेंट लेंथ में आती है, ये 66 फिट लेंथ की चेन है और जितने हमारे रेवेन्यू कैडेस्ट्रल मैप्स हैं ये इससे डिस्टेंस नापा जाता है और मैग्नेटिक कंपास से बियरिंग होते हैं, तो हमारे जितने भी पुराने मैप्स हैं वो डिस्टेंस और बियरिंग पे बेस्ड है और आज की तारीख में भी कुछ जगह पर पटवारी इस चेन से ही डिस्टेंस मेजर करके जमीन की पैमाइश करते हैं। और ये सर ये हथौड़ा, ये हथौड़ा फील्ड में जब चेन एक चेन से ज्यादा डिस्टेंस होता है तो उसको हम एक पिन की सहायता से, ये देखेंगे ये एक पिन है, हुक है जिसकी सहायता से हम चेन में लगा देते हैं और 66 फीट से जो ज्यादा डिस्टेंस होता है उसे मेजर करते हैं, तो ये हथौड़ा पिन को गाड़ने के लिए जमीन में यूज करते हैं। तो सर इस पद्धति का प्रयोग कब से हो रहा है? ये पद्धति बहुत पुरानी है, अगर हम अपने पुराने मैप्स भी देखें, मुगल टाइम के मैप्स भी देखें तो वो इन्हीं पद्धति पे आधारित है जिसमें कि या तो कदम से हमारा डिस्टेंस मेजर किया गया है या रस्सी में गांठ लगा करके एक एक फिट पर डिस्टेंस मेजर किया गया है या इस चेन के द्वारा डिस्टेंस मेजर किया गया है, तो ब्रिटिश राज के टाइम से ये चेन यूज हो रही है। ये स्टार चार्ट क्या है? ये स्टार चार्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इससे वो किसी भी प्लेस का लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड निकाल सकते हैं और लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। जब हम प्रोजेक्ट ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। आजकल जीपीएस से कोऑर्डिनेट्स से कराते हैं लेकिन जब जीपीएस टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हम सन ऑब्जर्वेशन और स्टार ऑब्जर्वेशन से कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। तो रात में पोल स्टार के दोनों तरफ जो इक्वल एंगल्स पे स्टार होते हैं उसका कॉन्सोलेशंस दिखाया गया है। स्टूडेंट्स स्टार के ऑब्जर्वेशंस लेते थे, पोल स्टार के लेफ्ट में, पोल स्टार के राइट में ऑब्जर्वेशंस लेते थे और उनसे हम कंपटीशन करके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड निकालते थे और बहुत एक्यूरेसी से ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड निकालते। तो सर क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस समय गूगल मैप या इस तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो इनका इस्तेमाल होता था? यस, ये बिल्कुल सही है और आजकल की पूरी जो एस्ट्रोनॉमी है वो पूरी स्टार पे बेस्ड है, तो स्टार की जो कॉन्सोलेशन है, स्टार की जो डायरेक्शंस देकर के वो किसी भी व्यक्ति का भविष्य भी बनाया जाता है, तो ये स्टार की जो डायरेक्शंस है और कॉन्सोलेशन है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और आज की तारीख में भी हम बहुत एक्यूरेसी से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किसी भी प्लेस के हम निकाल सकते हैं। सर ये कौन सी मशीन है और इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये बबल टेस्टर है और इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे थ्रेडोलाइट या हमारे जो डंपी लेवल है उसमें ये एक ट्यूब होती है, ये ट्यूब हमें बताती है हमारा इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, ये बबल सेंटर में होना चाहिए, तो इस बबल ये बबल आउट ऑफ एडजस्टमेंट हो जाता है काम करते करते, तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया गया यहीं पर ये डिवाइस जिससे हम इसकी सेंटर चेक कर लेते हैं कि आउट ऑफ एडजस्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर आउट ऑफ एडजस्टमेंट होगा तो हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो गलत होंगे। ये यहीं पर यहीं टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमारे दो प्रोफेसर्स थे, प्रोफेसर केपी शर्मा और प्रोफेसर एससी जैन, उनकी गाइडेंस में हमारे एक मिस्त्री हैं मोहम्मद इस्लाम, उनने इसको फैब्रिकेट किया और बहुत यूज़फुल है, बहुत टाइम बचता है इससे मॉडल टेस्ट करने। सर ये मॉडल, ये पहाड़ का मुझे मॉडल नज़र आ रहा है, इससे क्या सीखते हैं बच्चे? क्योंकि मैप टू डायमेंशनल होता है तो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे पहाड़ है उसको मैप पे कैसे दर्शाना है, तो ये हमने एक मॉडल बनाया है जिसको हमने डिफरेंट हाइट्स पे कट किया है। अगर मैं ये एक मॉडल डालता हूँ तो ये एक टॉप लेयर है, तो ये अगर आप आउटर सरफेस इसकी देखेंगे तो ये जो बताता है ये कंटूर बताता है, ये हाइट बताता है कि इस सब पॉइंट्स की इक्वल हाइट है, तो डिफरेंट हाइट्स पे ये डिफरेंट शेप मिलती है। अब जैसे ये एक रिवर है, यहाँ रिवर फ्लो हो रही है, तो रिवर के कंटूर किस तरह से आएंगे ये स्टूडेंट्स को मिलता है जब हम दिखाते हैं कि अगर हम इस हाइट पे एक कंटूर ड्रॉ करते हैं यानी कि इसको काट देते हैं तो ये जो जिगजैग शेप आती है तो कंटूर इस तरह से कंटूर ड्रॉ होना चाहिए उस हाइट का, तो इस कंटूर से हम एलिवेशंस पढ़ लेते हैं मैप पे,
डिफरेंट शेप्स हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट का भी पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर रिवर मौजूद है, यहाँ पर हिल का टॉप मौजूद है। तो ये एक समझने में, कंटूर को बनाने में और हाइट को समझने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको हम वर्नियर थ्रेडलाइट बोलते हैं। और इसका उपयोग 1842 में जब यहाँ पर गंगा कैनाल का कंस्ट्रक्शन हुआ था और सोनानी एक्वेडक्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो ब्रिटिश राज में इसका यूज़ हुआ था और इस मशीन को लंदन से मंगाया गया था। इससे हम एंगल नापते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल नापते हैं और इससे हम अलाइनमेंट भी कर लेते हैं। तो कैनाल के अलाइनमेंट के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बहुत यूज़फुल रहा है। देखिए, जब फील्ड में हम काम करते हैं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट लाइटवेट होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको कुछ कुछ दूरी पे ले जा करके ऑब्जर्वेशन लेने पड़ते हैं। तो ये सिमिलर इसका वर्किंग है, लेकिन ये थोड़ा लाइटवेट हो गया है और ये भी उसी तरह की सिमिलर मशीन है। लेकिन अगर आप आगे वाली मशीन को देखें तो ये फर्दर बहुत लाइटवेट हो गई है, एक्यूरेसी भी इसकी और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हम इंस्ट्रूमेंट छोटा बनाते गए, लाइटवेट बनाते गए और उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते गए। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सेक्शन बोलते हैं और ये हिली एरिया में जब हम कोई अलाइनमेंट करते हैं कैनाल का या रोड का अलाइनमेंट करते हैं तो हमें वर्टिकल एंगल लेना पड़ता है, तो उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट बहुत यूजफुल है। अभी भी हिली एरिया में इसका इस्तेमाल होता है। ये इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल कहलाता है। तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनकी हमें हाइट निकालनी होती है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में ग्राउंड का स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैनाल जैसे बनी तो कैनाल में ग्रेविटी से जो पानी फ्लो हो रहा है तो उसके लिए हमें स्लोप पता होना चाहिए कि पानी किस तरफ जाएगा, पानी किस स्पीड से जाएगा, तो उसमें प्रॉपर स्लोप देना पड़ता है। तो ये डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट बहुत यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें स्लोप निकालने में सहायक होता है। और इसके साथ साथ ये जो सर्कुलर आप प्लेट देख रहे हैं ये एक मैग्नेटिक कंपास है, और मैग्नेटिक कंपास हमें डायरेक्शन देता है कि नॉर्थ से किस डायरेक्शन में है। तो हम ओरिएंटेशन जो करते हैं, जैसे वास्तु में भी जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो वास्तु का ध्यान रखते हैं, ओरिएंटेशन का ध्यान रखते हैं कि हमारी एंट्री नॉर्थ से होनी चाहिए या ईस्ट से होनी चाहिए। तो ये मैग्नेटिक कंपास हमें वो डायरेक्शन देता है जिसमें जहाँ हम प्रोजेक्ट को कमीशन करते हैं। यहाँ पर सर्वे इंस्ट्रूमेंट का इंडस्ट्री है जो डेवलप हुआ, वो कैसे हुआ और किन कारणों से? जब सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर कैनाल के लिए यूज़ हो रहे थे तो काम करते करते इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी बहुत खराबी आ जाती है, तो किसी को भी नॉलेज नहीं थी कि इन इंस्ट्रूमेंट को कैसे रिपेयर किया जाए। ये इंस्ट्रूमेंट लंदन भेजे जाते थे तो वर्क रुक जाता था, तो उसको देखते हुए जब यहाँ के कुछ लोगों को ट्रेन किया, उन्होंने पिकअप कर लिया कैसे इसका रख रखाव करना है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद भी इंस्ट्रूमेंट को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। तो उन्होंने इंडियन कंडीशंस को देखते हुए बड़ा लाइट कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू किया और सर्विंग की कॉटेज इंडस्ट्री शुरू हो गई रुड़की में। ये इंस्ट्रूमेंट वर्नियर थ्रेडलाइट या ट्रांजिट थ्रेडलाइट कहलाता है, और सबसे बड़ी खूबी इस इंस्ट्रूमेंट की ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट रुड़की में मैन्युफैक्चर हुआ। अच्छा, तो रुड़की में जो बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री है वो यहाँ पर शुरू के पीरियड में ट्रेन हुई और उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, उन्होंने इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं उन इंडस्ट्री द्वारा। और ये सिविल इंजीनियर्स के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, अलाइनमेंट, डिस्टेंस, एलिवेशन सब कुछ निकाल सकते हैं। ये धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में वैसे वैसे ट्यूब। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टेलीस्कोपिक ट्यूब है, ये बहुत लंबी ट्यूब है, अब उससे ये इंस्ट्रूमेंट हैवी हो जाता है। तो धीरे धीरे करके बदलाव लाया गया, टेलीस्कोपिक ट्यूब को छोटा किया गया। ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट फील्ड में ले जाने में बहुत सुविधाजनक काम है। ये इंस्ट्रूमेंट मल्टीप्लेक्स कहलाता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें मल्टीपल इमेजेस, हम तीन इमेज यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट इंडिविजुअल इमेज जो डिजिटल कैमरे से ली गई है वो हम यहाँ रखते हैं। और बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से, जब पहले हम लोग कलर इमेजेस नहीं थी, कलर पिक्चर्स अवेलेबल नहीं थे, तो हम कलर इमेज बनाते हैं। हम यहाँ पर रेड, ग्रीन एंड ब्लू फिल्टर होते हैं, जैसे कि आप ये देखेंगे ये एक रेड फिल्टर है, तो इमेज हमें पूरी रेड दिखाई देगी यहाँ पर। इसी तरह से एक ब्लू फिल्टर और ग्रीन फिल्टर इन तीनों में लगाया गया और तीनों इमेजेस को हम सुपर इम्पोज करते हैं, और सुपर इम्पोज करने के बाद हमें जो रिजल्टेड इमेज मिलती है वो कलर इमेज मिलती है।
लेकिन आजकल तो हम लोग एक डिजिटल कैमरा से डायरेक्ट कलर इमेज ले लेते हैं, तो आजकल इस मशीन का इस्तेमाल ना करके हम सॉफ्टवेयर वाला कलर इमेज। ये RC5 एरियल कैमरा है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ, ग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत मेहनत होती है, सर्वे करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इसको हम एयरक्राफ्ट में वर्टिकली डाउन इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और इससे हमें जो पिक्चर मिलती है उसका हम एनालिसिस करते हैं। इस कैमरे में तो बड़े बड़े स्कूल हैं जो कि फिल्म हम इन स्कूल में लोड करते थे और कैमरा ऊपर एयरक्राफ्ट में फ्लाई करता था और कैमरे से इमेजेस लेकर के हम इंस्ट्रूमेंट से एनालाइज करते हैं। आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बहुत कॉम्पैक्ट हो गए हैं और डिजिटल कैमराज आ गए हैं जो कि एयरक्राफ्ट में आप इंस्टॉल करके और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सारा एरिया कवर कर सकते हैं। सर, ये कमाल सा दिखने वाला मशीन किस काम का है? ये एक एनालिटिकल फोटोग्रामेट्रिक इंस्ट्रूमेंट है। जब हम एरियल फोटोग्राफ लेते हैं तो एक फोटोग्राफ हम यहाँ रखते हैं, दूसरा फोटोग्राफ यहाँ रखते हैं, उस पर रखते हैं राइट साइड पे, और ओवरलैप रीजन जो होता है उससे हम एक थ्री डायमेंशनल मॉडल बना लेते हैं और इससे पूरे एरिया की हम मैपिंग कर लेते हैं। तो एरियल फोटोग्राफ्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि हम वेरी क्विक अपडेट कर सकते हैं मैप्स को। ये मॉडल आज की डेट में ये मॉडल बहुत पुराना है और इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, तो इसका जो एक लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास, इसमें हम लोग एरियल फोटोग्राफ्स रखते हैं यहाँ पर और एक इसके साथ एक कंप्यूटर अटैच्ड है, एक प्लॉटिंग टेबल अटैच्ड है और यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले होता है, सवाल हमारा सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाता है, किसी भी स्केल पर मैपिंग करनी होती है तो वो हम कर लेते हैं। ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है डिजिटल प्रोडक्ट। सर, आप बता रहे हैं कि ये जो मशीन है तकरीबन 150 साल पुरानी होगी, 1842 में आई थी इंग्लैंड से, तो अभी भी क्या इस्तेमाल होती है या इसको इस्तेमाल किया गया है तो वही एक्यूरेसी देगी जो आजकल की टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स दे रही है GPS एनेबल्ड? नहीं, देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है उसी तरह से हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ी है, तो आज की तारीख में हमारे पास बड़ी कॉम्पैक्ट मशीन हो गई है क्योंकि ये बहुत हैवी मशीन है। इसको उस टाइम पे खच्चर पे ले जाया जाता था क्योंकि कोई साधन भी नहीं था ले जाने का और इसके लिए एक ईंटों का एक ट्राइपॉड बनाया जाता था, पर आजकल की मशीन बहुत लाइट वेट हो गई है और उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो गई है, तो आज की डेट में हम इन चीज़ों को यूज़ ना करके ज़्यादातर डिजिटल पे जाते हैं जिसकी हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जाती है। ये कौन कौन सी मशीन है और इसका क्या उपयोग है? ये जैसा कि हमने पहले आपको वर्नियर थ्रेडलाइट दिखाया है, ये उसका एक मॉडर्न रूप है जिसको हम टोटल स्टेशन बोलते हैं, और टोटल हम इसलिए बोलते हैं कि टोटलिटी में हमें पूरा सॉल्यूशन मिलता है, तो हमें 6 इंस्ट्रूमेंट फील्ड में नहीं ले जाने पड़ते, हम एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से सारे ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, तो जिस पॉइंट का ऑब्जर्वेशन लेना होता है उस पॉइंट पे हम ये प्रिज्म रखते हैं और यहाँ से एक टेलीस्कोपिक ट्यूब से हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और इंफ्रारेड बीम इस पे स्ट्राइक करती है और रिटर्न होती है और उससे हमें डिस्टेंस, एलिवेशंस और कोऑर्डिनेट सब कुछ मिल जाता है इस इंस्ट्रूमेंट से, तो ये एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे काम को बहुत तेज़ी से कंप्लीट करता है। इसको हम मल्टी एंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, तो इंफ्रारेड बीम जब इंस्ट्रूमेंट से निकलती है तो स्ट्राइक करती है, इसके सेंटर को फोकस करते हैं और यहाँ से स्ट्राइक बैक करती है तो हमें डिस्टेंस मिल जाता है। डिस्टेंस मिलने के बाद ये एंगल भी बताता है, तो और सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली इस मशीन द्वारा कर दी जाती है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वो पुरानी मशीन थी उससे ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करने में कितना वक्त लगता था और इससे इस मशीन से, इस नई मॉडर्न मशीन से कैलकुलेट करने में कितना वक्त लगता है? देखिए, जो वर्क हम पुरानी मशीन से एक महीने में सर्वे पूरा कंप्लीट करते थे, इस मशीन से हम एक या दो दिन में पूरा वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो टेक्नोलॉजी में इतना चेंज आ गया है कि सॉफ्टवेयर द्वारा हम मैपिंग कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर द्वारा सारी हमें कैलकुलेशंस डायरेक्ट मिल जाती हैं, तो मैनुअल वर्क हमारा बिल्कुल कम हो गया है। फील्ड में जो हमारा स्टाफ 6-7 स्टाफ की जरूरत थी, आज हम 2 स्टाफ से पूरे एरिया का सर्वे कर लेते हैं, तो हमारी कॉस्ट भी बचती है, हमें एक्यूरेसी भी ज्यादा मिलती है और स्पीड भी आती है। इसको हम GPS कहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और आजकल हम लोग इस टर्म से बहुत फैमिलियर हैं क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन में भी GPS होता है, लेकिन उससे हमें बड़े क्रूड कोऑर्डिनेट मिलते हैं। ये एक मैपिंग के लिए एक बहुत एक्यूरेट सिस्टम है जिससे कि सैटेलाइट से ये सिग्नल रिसीव करती है प्लेट
और ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से हम पूरा अपने ऑब्जर्वेशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमें डायरेक्ट जिस पॉइंट में हम ये डिवाइस रखते हैं उस पॉइंट में हमें डायरेक्ट उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, और आज की पूरी जो सर्वेइंग है वो कोऑर्डिनेट बेस्ड सर्वेइंग है। तो उससे हम सारी मैपिंग कर लेते हैं, हमें एरिया निकालना है, हमें पैरीमीटर निकालना है, तो ये सब कंप्यूटेशन हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। सर, मैंने भी जो भी ड्रोन देखे हैं उससे ये बिल्कुल अलग है, तो ये कैसे अलग है, इसकी क्या खासियत है और सिविल इंजीनियरिंग में इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, देखिए, इसकी टेक्निकल टर्म में हम इसको UAV बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, क्योंकि इसमें कोई पायलट नहीं होता, इसको हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं। और सर्वेइंग में ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखेंगे कि 150 साल पुरानी जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो अब इसमें सीमित होकर रह गई है, और इससे हम इसमें हम एक GPS फिट होता है जिससे हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, इसमें एक लेज़र बेस्ड डिवाइस फिट होता है जिससे हमें 3D कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, और इसमें हम एक नीचे की तरफ एक कैमरा इंस्टॉल करते हैं। तो ये ऊपर हम फ्लाई करते हैं, 1 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते हैं, और एक कंट्रोलर की मदद से हम इसकी फ्लाइंग कंट्रोल करते हैं। कैमरा ऑपरेट करता है, पिक्चर लेता है ग्राउंड के, लेज़र इंस्ट्रूमेंट XYZ कोऑर्डिनेट देता है, और GPS जिस पॉइंट पर ये फ्लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। तो हमें जितनी भी चीज़ें की ज़रूरत है सर्वेइंग में, मैपिंग में, 3D मेथड्स में, वो हमें सब इस इंस्ट्रूमेंट से मिल जाते हैं। तो इसको हम पॉपुलरली UAV कहते हैं, और ये बड़ी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देता है। सर्वे एक कला है और साथ में विज्ञान भी। धरती पर मौजूद हर चीज, पर्वत से लेकर नदी नाले जमीन तक को हर नजरिए से, हर पहलू से माप कर समझ कर एक तस्वीर बनाने की, और सर्वे इंस्ट्रूमेंट से हर पहलू की लंबाई, ऊंचाई, दूरी और बहुत कुछ मापी जाती है ताकि छवि सटीक बन सके। वक्त के साथ सृजन में उपयोग आने वाले ये पैमाने में भी बदलाव आए। एक मामूली स्केल से शुरू होकर ये सॉफ्टवेयर तक बन गए ताकि इनकी माप सटीक हो सके। आपने जो बताया 3 टर्म आपने यूज किया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और अलाइनमेंट, आम लोगों को हम लोग इसको कैसे समझा पाएंगे कि इसकी, इस मशीन की क्या महत्व है? किसी भी प्रोजेक्ट की जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसकी हमें पता होना चाहिए कि उसका एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है ग्राउंड पे अलग अलग पॉइंट। तो ये सब चीज़ें निकालने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमें एंगल नापना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और दूरी नापनी पड़ती है टेप से, और हम लोग मैग्नेटिक कंपास होती है जिससे हम एंगल नापते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग नापते हैं, और उससे हम ये सब चीज़ें निकाल लेते हैं कि कितना एरिया है, कितना पेरीमीटर है, कितनी लेंथ है। तो हमें प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने के लिए ये सब बहुत यूजफुल। पुराने पैमाने की इस दुनिया ने एक बात तो पुख्ता कर ही दी, वस्तु व्यक्ति से लेकर रिश्ते नाते तक किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी सही स्थिति परिस्थिति का सटीक विश्लेषण जरूरी है, हर नजर से, हर कोण से, ताकि हम एक सही छवि बना सकें। इत्तफाक देखिए, बनाने वाले ने हमें सटीकता से समझने का पैमाना यानी कि 360 डिग्री नजर पहले ही दे रखी है, पर हम इस नजर का इस्तेमाल करते कहां हैं? मतलब और जरूरत के चश्मे से हर चीज को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि तस्वीर सटीक बने। दिल और दिमाग रखने वाले हम इंसान से तो बेहतर हैं ये बेजुबान मशीन, जो किसी पर भी फैसला सुनाते वक्त हर पहलू को पढ़ते हैं। कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमें कोई समझता नहीं, पर जरा अपने आप से हम एक बार तो पूछें कि हम कितनों को समझते हैं। अमीर मिनाई सही फरमाते हैं, कहते हैं, कौन सी जहां है जहां जलवाए माशूक नहीं, सौ के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। फिर मिलेंगे, कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने
आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।